मित्रों, आज अपन सूरदास के जो दूसरा अपना लेसन है उसके तीसरे भाग को अपन पढ़ते हैं। पहले चार पद अपन ने पढ़े थे, इसमें भी गोपियां जो है उद्धव से प्रश्न कर रही है। जब वो ज़्यादा ही निर्गुण ब्रह्म के बारे में और योग साधना के बारे में बात करने लगा तो उद्धव को चुप कैसे किया जाए, तो गोपियों ने बड़ी चालाकी से उससे कुछ प्रश्न करने शुरू कर दिए। अब वो क्या प्रश्न करती हैं उसका इसके अंदर वर्णन है। पद को अपन पहले पढ़ते हैं, फिर अपन इसके अर्थ को समझते हैं। कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाय सोह दे, बूझति साँच न हासी। निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी कौन दासी। निर्गुण कौन देश को वासी, कैसो बरन बेस है कैसो, कही रस में अभिलासी। निर्गुण कौन देश को वासी, पावे गोपुनी कियो आपनो, पावे गोपुनी कियो आपनो, जोर कहे गो गासी, जोर कहे गो गासी। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, सुनत मौन वे रहो ठग्यो सो, सुनत मौन हुए रहो ठग्यो सो, सुर सबै मति नासी, सुर सबै मति नासी। निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियों ने उद्धव से उल्टा प्रश्न करना शुरू कर दिया कि तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो, जिस योग साधना की बात कर रहे हो, पहले जरा बता दो वो किस देश का वासी है, वो कहाँ रहता है, कौन सा उसका प्रदेश है, देश है या परदेश है, जरा ये हमें बता दो। हे मधुकर, मधुकर उसी को उद्धव को लिए कहा है कि हे मधुकर, हे उद्धव, हंसी समझाए, बड़ी प्रसन्नता के साथ हमको बताइए। सौह दे, हम सौगंध देकर के कहती हैं, बूझति साच न हासी, आप हमें सच्ची बात बताओ, समझाओ। बूझति यानी समझाओ, हमें सच्ची बात समझाओ कि वो कहाँ रहने वाला है। न हासी, हम तुम्हारी कोई मजाक नहीं उड़ा रही है, तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रही है, आप हमें जो है सच्ची सच्ची निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताइए, वो कहाँ रहता है। कौन है जनक, जनक यानी पिता, कौन उसका पिता है, जननी को कहियत, और कौन उसकी जननी कहलाती है, माता कहलाती है, कौन नारी को दासी, और कौन उसकी पत्नी है, और कौन उसकी दासी है, जरा इस बारे में हमें बताइए कि निर्गुण ब्रह्म कहाँ रहता है, कौन माता पिता है, कौन पत्नी है, कौन उसकी दासी है, इसके बारे में जरा सच्ची सच्ची बातें हमें बताओ। कैसो वर्ण, वर्ण यानी वर्ण, वो किस वर्ण का है, कुछ किस रंग का है, भेष है कैसो, और कैसी उसकी वेशभूषा है। कई रस में अभिलाषी, अभिलाषी यानी इच्छा रखने वाला, चाहने वाला, किस रस को चाहने वाला है, किसमें उसकी रुचि है, जरा इसके बारे में हमें विस्तार से बता तो दो। पावे गोपुनी कियो आपनो, अगर तुमने अपनी बात झूठी कह दी
अपनी तरफ से ही कुछ अलग सलग कपटपूर्ण बातें करते रहे तो जो जोर कहेगो गांसी, है ना। तो तुम अगर गांसी यानी झूठ कपटपूर्ण पूर्ण बातें कहेगो यानी कहेगा तो आपनो जो कियो यानी जो तू कर्म करना है उसका तुझे ही भुगतना पड़ेगा। जो तू कहेगा वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कहेगो गांसी अगर तू गलत बात कहेगा, अगर तू झूठ कपटपूर्ण बात कहेगा तो जैसा कर्म करेगा वैसा तुझे फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए तू झूठ मत कहना, सच्ची सच्ची बात बता दो कि ये निर्गुण कौन है, किस देश का रहने वाला है, कैसा इसका वर्ण है, कौन माता पिता है, कौन पत्नी है, कौन उसकी दासी है, क्या वो इच्छा रखने वाला है, किसमें अभिलाषा रखता है। सुनत मौन वे रयो ठगियो सो। और जब इन सारे एक साथ प्रश्नों को सुना तो ठगा सा खड़ा रह गया कि क्या उत्तर दूं इसका, उसका कोई रूप हो तो बताऊं, रंग हो तो बताऊं, जन्म लिया हो तो बताऊं। तो बड़ा ठगा सा रह गया। सूर सबे मति नासी, सूरदास जी कहते हैं उसकी बुद्धि तो जैसे भ्रष्ट हो गई, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं गोपियों को क्या उत्तर दूं। अर्थात यहां जो गोपियां हैं वो ये कहना चाहती हैं कि कभी भी निराकार चीज के बारे में हम जो है उसकी साधना नहीं कर सकते, आधार चाहिए हमको, सामने ऐसी कोई प्रेरणा चाहिए जिसके जिसको लेकर के हम प्रेरणा ले सके और कुछ उसकी उसकी साधना कर सके। इसलिए उनका ये कहना है गोपियों का कि बिना कृष्ण जो है वो हमें कुछ भी सूझता नहीं है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के प्रश्न करके जब वो उद्धव ज़्यादा कुछ बातें करने लगा तो उसको चुप रखने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए और वास्तव में उसको कुछ उत्तर देते नहीं बना और वो शांत हो गया। अब अपना अंतिम पद, बिन गोपाल बेरिन भई कूंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे। बिन गोपाल बेरन भई कूंजे, वृता बहती जमुना खग बोलत है, वृता कमल फूले अली गूंजे। पवन पानी घन सार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भूंजे। बिन गोपाल बैरन भई कूंजे, बिन गोपाल बैरन भई कूंजे। ए उधो कयो माधव सो, विरय कदन करी मारत लूंजे। ए उधो कयो माधव सो, विरह कदन करी मारत लूंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरन जो गूंजे। बिन गोपाल बेरन भई कूंजे, बिन गोपाल बेरन भई कूंजे। हे उद्धव, तुम अपनी सारी बातें कह रहे हो, निर्गुण साधना करनी चाहिए, योग साधना कीजिए, कृष्ण को भूल जाइए, लेकिन ये प्रकृति की जो चीज़ें हैं ना ये भी हमारे लिए तो बैरिन बज गई है, हमारी दुश्मन बन गई है, हमें अच्छी नहीं लगती है, बड़ी क्रूर लगती है, शत्रु लगती है। बिन गोपाल, बिना गोपाल के बैरिन भई कूंजे, ये सारी जो झाड़ियाँ हैं ये हमारी बैरन हो गई है, हमें ये अच्छी नहीं लग रही है ना? तब ये लता लगती अति शीतल, तब यानी जब कृष्ण थे, तब जब कृष्ण थे तब यहाँ की सारी लताएं हमें बड़ी शीतल लगती थी, बड़ी अच्छी लगती थी, बड़ी लुभावनी लगती थी। लेकिन अब भई विषम ज्वाल की पूंजे, लेकिन वो ही लताएं जब कृष्ण नहीं है तो भयानक ज्वाला की पूंजे लग रही है। पूंज कहते हैं झुरमुट, है ना, समूह, ज्वाला की पूंजे लग रही है हमें, बड़ी जलाने वाली है, हमें दुखी करने वाली ये लताएं लग रही है। जो कृष्ण थे
तब ये लताएं अच्छी लग रही थी, लेकिन वही लताएं जब कृष्ण नहीं है तो बड़ी हमें कर्कश लग रही है, बड़ी बुरी लग रही है, ज्वाला के समान जलाने वाली लग रही है हमें। वृता बहती जमुना, जब कृष्ण थे तो ये बहती हुई यमुना का कलकल करता पानी भी हमें अच्छा लगता था। खग बोलत, खग यानी पक्षी, पक्षी जब बोलते थे पपैये हैं या कोयल, ये सारे हमें अच्छे लगते थे, लेकिन अब ये भी व्यर्थ लग रहे हैं। वृथा कमल फूले अली गूंजे, और अब ये कमल के फूल भी जो खिले हुए हैं वो हमें व्यर्थ लग रहे हैं, बेकार लग रहे हैं, उनके प्रति अब हमारी जो है आकर्षण नहीं रहा है। और अली गूंजे, और जो भोरा गूंज रहा है, ये भौरा भी गूंजता हुआ, इसकी गुंजन भी हमें अच्छी नहीं लग रही है, उसकी गुंजन भी व्यर्थ लग रही है, क्योंकि कृष्ण के बिना इन सब का बोलना या दिखना या नदी का बहना या पक्षी का बोलना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। पवन पानी, पवन यानी हवा, पानी यानी पानी, पानी घनसार यानी कपूर, संजीवनी यानी ये सारे अमृतमयी, ये पवन पानी कपूर ये समय हमें सभी हमें अमृत के समान लगते थे। दधिसुत किरण, अब तो चंद्रमा की किरण भी, दधिसुत कहते हैं चंद्रमा को, किरण यानी उसकी रश्मियाँ, किरणें जो हमें बड़ी सुहावनी लगती है, शीतल लगती है, पूर्णिमा पूर्णिमा की, चंद्रमा की चांदनी हमें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन भानु भई भूंजे, भूंजे कहते हैं बड़ी जलाने वाली, अब तो ये सूर्य, भानु कहते सूर्य को, कि जो चंद्रमा की किरणें हमें बड़ी शीतल लगती थी वो ही चंद्रमा की किरणें सूर्य के किरणों की तरह जलाने वाली लगती है, बड़ी हमें तपाने वाली लग रही है, अब ये इसकी शीतलता भी, चंद्रमा की किरणों की शीतलता भी हमें अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि कृष्ण के बिना ये सारी चीज़ें व्यर्थ है, ये हमें लुभावने नहीं लग रही है। हे उदो कईयो माधव सो, इसलिए हे उदो प्रकृति के सारे आयाम भी हमें अच्छे नहीं लगती है, इसलिए तुम कृष्ण के जाकर, कृष्ण को जाकर के कहना हे उदो कईयो माधव सो, माधव यानी कृष्ण को, विनय कदन करी मारत लूजे, कदन करी यानी घोर कष्ट करने वाली, मारत यानी हमको मार करके, लूंजे यानी विकलांग कर दिया है, अशक्त कर दिया है, कि विरह की वेदना की घोर मार ने, मार कौन सी है ना, कदन करी यानी घोर मार, कष्ट किसकी, विरह की यानी बिछुड़ने की, तुम्हारे विरह की वेदना की मार ने हमारे शरीर को अशक्त कर दिया है, कमजोर कर दिया है, विरह कदन करी मारत लूंजे, लूंजे यानी अशक्त कमजोर, हमें कायस्थ कर दिया है, कि हे उदो माधव से जाकर के कहना कि गोपियों की ये स्थिति है कि तुम्हारी विरह की वेदना की मार ने उनको बड़ा कमजोर कर दिया है। सूरदास प्रभु को मगजोवत अखियां भई बरन ज्यों गूंजे, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु को यानी उस कृष्ण का मग यानी रास्ता जोवत यानी देखते हुए अखियां भई बरन ज्यों गूंजे, गूंजे कहते हैं गूंजे का फूल जो लाल कलर का होता है, रंग का होता है, तो हमारी आंखें कृष्ण के मार्ग को देखते देखते उसका इंतजार करते करते गूंजे के फूल की तरह लाल हो गई है, बरन जो गूंजे भई यानी हो गई, कि हमारी आंखें जो है कृष्ण का इंतजार करते करते, कृष्ण का मार्ग जोहते जोहते, उनको उनके मार्ग आने के मार्ग की तरफ देखते देखते हमारी आंखें भी लाल हो गई है, ऐसा जाकर के कृष्ण को संदेश दे देना। तो इस प्रकार अंतिम ये पाद, इस पद के अंदर कृष्ण की जो विरह वेदना की जो परेशानी है वो उस उद्धव के सामने कहती हैं। अब ये अपना पाठ पूरा है, इससे जो पद अपन ने दो पढ़े हैं इससे संबंधित मैं प्रश्न नीचे दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखते हुए वर्तनियों को देखते हुए आप लिखेंगे, कुछ गलती नहीं रखें, विराम चिन्हों को देखें, अनुस्वार को देखें, मात्राओं को देखें और फिर आप ध्यान से लिखें, तो आपको जो है सही रूप में ही शब्द याद होगा, और बार बार सही लिखने से सही ही अभ्यास होता है।
और अगर उड़ती यानी सरसरी नज़र से देखते हैं तो इसमें मात्रा लिखी हुई कुछ होती है और आप अपनी मर्जी से कुछ और लगाते हैं। तो ध्यान का बड़ा महत्व है आपके लिए। तो आप ट्वेल्थ की बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप लोग प्रॉपर वे के अंदर काम करें, है ना, मूल रूप के अंदर ही सत्य रूप में ही काम करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आवे। धन्यवाद।